शुभारंभ शुभारंभ भव्य शुभारंभ आपके शहर दमोह में संपूर्ण वैवाहिक परिधान एक ही छत के नीचे। हमारा पता है स्टेशन रोड बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में घंटाघर दमोह। लॉकडाउन के दिनों में मूक जानवरों को भी खाना खिलाने के उद्देश्य से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा के साथ उनके साथियों की टीम के द्वारा शहरी अंचलों के साथ ग्रामीण अंचलों तथा सड़कों के किनारे मौजूद जानवरों को भोजन पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां गायों को चारा, कुत्तों को रोटी सहित अन्य सामग्री दी जा रही है, वहीं आसपास के जंगलों में सड़कों किनारे बंदरों को भी उनका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह मुहिम दमोह के मददगार के प्रेरणा लेने के बाद शुरू की गई है। हमारे साथी हैं, छोटे भाई कहना चाहिए, महेंद्र दुबे जी। उनने एक दमो के मददगार का कार्यक्रम चलाया था, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो मुंह से बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि उनको कोई समस्या है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जानवर जिनको कहना चाहिए मूक प्राणी है, जो वो बोल नहीं पाते मुँह से। लेकिन आज हम देखते हैं कि जबलपुर रोड पर जब हम जाते हैं तो सिंग्रामपुर के पास बहुत सारी समस्या होती है कि वहाँ पे बंदर बैठे रहते हैं और उनको कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, और बंदरों को ये आदत हो गई है, वो रोड के किनारे बैठे रहते हैं। तो हम लोगों ने हमारे बड़े भाई आदरणीय गोपाल प्रसाद गुप्ता जी, जो मंडी के उपाध्यक्ष रहे हैं, और हमारे मित्र साथी और दद्दा परिवार के शिष्य भाई राजू राय जी, हम तीनों जनों ने मिल के अभियान शुरू किया कि हम शनिवार और मंगलवार को सिंग्रामपुर में बंदरों को ले जाके ककड़ी, टमाटर, गाजर और जो भी फल वगैरह हैं वो डालेंगे। और दमों में हम लोग जो हमारे कुत्ते गली में घूम रहे हैं आवारा, जो बंद होने के कारण, लॉकडाउन के कारण उनको खाने नहीं मिल पा रहा है, उन कुत्तों को हम लोग घर से रोटी इकट्ठी करते हैं। SPM नगर में बहुत सारे परिवार हैं, हमारे मोहल्ले में परिवार हैं, उनसे रोटी इकट्ठी करते हैं, और गाय का चारा हम लोग अपने सहयोग से करके गाय को चारा, जो गाय घूम रही हैं और जिनका कोई धनी ढोरी नहीं है, उन गाय को चारा। तो मैं इस अभियान में और लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे जो प्राणी बोल नहीं पा रहे हैं, उन प्राणियों को इस समय बंद के कारण जो दिक्कत आ रही है उसके लिए हम मदद करें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजू भैया को, राजू राय जी को, और गोपाल प्रसाद गुप्ता जी, कल्लू मिस्त्री जी को, कि वो हमारे इस काम में बड़े सहयोगी हैं, और उन सब हम तीनों लोग मिल के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पार्षद भाई मिक्की चंदेल जो हमें रोटी देने के लिए मोहल्ले के लोगों से रोटी इकट्ठी करके भेजते हैं, तो इस अभियान में हम कल परसों से और लोगों को भी जोड़ेंगे ताकि 3 मई तक जो लॉकडाउन है उसमें इन प्राणियों को कोई दिक्कत ना आए। हम लोग अपने गुरु जी हैं जो पूना वाले दद्दा जी, उनका आदेश हुआ है, उनके आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं, और जो सहयोग उन्हीं की कृपा से चल रहा है वो चलेगा जब तक लॉकडाउन। हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, मनु मिश्रा, राजू राय, कल्लू मिस्त्री। किस तरह का काम कर रहे हैं आप लोग, और ये क्या भाई, जो जानवर हैं उनको तो कोई देखने वाला है नहीं, उनकी सेवा में हम लोग लगे हैं। गाय हैं, बंदर हैं, इन सब के लिए हम लोग सिंग्रामपुर भी जाते हैं हर शनिवार और मंगलवार को, आज भी गए थे, केला वगैरह सब लेके उधर आए। फिर आज ये पता चला कि भाई दमों में भी हैं ऐसे दौर जो फिर रहे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो उनके लिए चारा वगैरह के सब इंतजाम कर रहा दद्दा जी के पास। प्यासी ज्वेलर्स एवं शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। एक बार अवश्य पधारें।